पार्लियामेंट अटैक, संसद पर हमला, प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर एक बहुत बड़ा हमला 13 दिसंबर 2001 को हुआ और उस हमले को नेस्ट नाबूद करा सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के बहादुरों ने। हमारे लिए आज एक गर्व का विषय है, 21 साल बीत जाने के बाद आज 13 दिसंबर 2022 हमारे पास सीआरपीएफ के दो बहादुर जवान हमारे साथ हैं, श्री डी एस कुमार, डी संतोष कुमार, जिनको शौर्य चक्र मिला, और श्री श्यामवीर सिंह, जिन्होंने भी शौर्य चक्र मिला और जिनके अदम्य साहस की वजह से आतंकवादियों के जो उनका जो सोच थी वो विफल हुई। तो आइए बात करते हैं, सबसे पहले मैं संतोष कुमार जी से बात करता हूँ। संतोष जी, जब उस दिन हमला हुआ था, आज उस हमले को 21 साल हो गए, 13 दिसंबर 2001 को, आपने उस हमले का कैसे सामना किया और उस टाइम आपके मन में क्या, अपनी जान की परवाह नहीं थी, आपका परिवार आपके सामने था या देश आपके सामने था? जी ऐसा, 2001 के समय, उस समय मैं कांस्टेबल था। आफ्टर ट्रेनिंग मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी यहाँ पे, जो पार्लियामेंट अटैक जिस दिन हुआ, मैं यहाँ मौजूद था 6 नंबर आयरन गेट नंबर 6 पर। तो उस समय जब फायरिंग की आवाज़ आई और ब्लास्ट की आवाज़ आई, हम चौकन्ने हो गए। मैंने अपनी पोस्ट जो उस समय थी प्लाईवुड की थी, वो छोड़ के पेड़ के पास आ गया था। पेड़ के पास से आयरन बिल्डिंग गेट नंबर 9 की तरफ जो आतंकवादी भागते हुए आए थे 4, उनमें से 3 को मैंने उस समय मार गिराया था वहाँ पे, और एक आतंकवादी था जो आगे भाग गया, जिसको बिल्डिंग गेट नंबर 5 पे हमारे दूसरे साथी जवानों ने मार गिराया था। और सर, रही मरने जीने की बात, तो उस समय जब फायर चलता है तो उस समय फौजी को समझ में नहीं आता, अपने आप को ध्यान नहीं देता, वो सबसे पहले सोचता है कि किस तरह सबसे पहले उसको मारा जाए, खुद को भी गोली लग जाए या कुछ हो जाए, तो उस समय ये सब चीज़ें दिमाग में आती नहीं। आज इस हमले को 21 साल हो गए हैं, आज के परिदृश्य में आप कैसा देखते हैं, आज उसी जगह पर आप खड़े हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं आज आप? बात तो सही है, 21 साल हो गए हैं, ऐसे लगता है कि अभी कुछ ही समय हुआ है। अब उस समय के मुकाबले देखा जाए तो अब सुविधाएं बहुत बढ़ गई है, उस समय इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, और सिक्योरिटी के लिहाज से भी बहुत अच्छा पार्लियामेंट के अंदर उसका सुधार हुआ है। और उसके बाद पीडीजी हमारी सीआरपीएफ की बटालियन जो खड़ी हुई थी, वो भी बहुत अच्छा ड्यूटी दे रही है, पार्लियामेंट के लिए ही वो स्पेशली ड्यूटी के लिए तैयार की गई है। अभी भी कोई किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, जब तक सीआरपीएफ है तब तक किसी को कुछ नहीं हो पाएगा। हमारे साथ श्री श्यामवीर सिंह साहब भी हैं, जिनको शौर्य चक्र मिला था, जिन्होंने भी इस हमले को नेस्ट नाबूद करने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। श्यामवीर साहब, आप मुझे बताएं, उस दिन जब हमला हुआ था आपकी कहाँ ड्यूटी थी और आपने कैसे उस हमले को विफल किया? 13 दिसंबर 2001 को मेरी ड्यूटी पीएम गेट नंबर 5 पर थी, बिल्डिंग गेट नंबर 5 जहाँ पीएम साहब की गाड़ी आती है, और मैं वहाँ पर खड़ा हुआ था। तो वहाँ पर जो है सब करीब 11:15 बजे एक बार फायर की आवाज़ आई, मैंने सेट द्वारा अपने अधिकारियों को बताया, तो वो भी मेरे पास आ गए थे, जो एमएस नायर कमांडेंट साहब थे और नीरज पालीवाल साहब एसआई थे उस समय, वो आई। तो वहाँ पर जब एकदम जो है ज़्यादा ही फायर होने लगा, ग्रेनेड फटने लगे, तो एक उग्रवादी गेट नंबर 5 की, मतलब 4 की तरफ से और मेरी तरफ को दौड़ता हुआ आ रहा था, तो उसको फिर मैं मार गिराया वहाँ पर अपने पॉइंट पर। आज आप उसी जगह खड़े हुए हैं जहाँ पर हमला हुआ था, तो आप कुछ देश को मैसेज देना चाहेंगे, हमारे जो आपके आने वाली पीढ़ी ये जवान हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, उसमें क्या कहना, देश को तो यही है कि जहाँ सीआरपीएफ है वहाँ पर कोई मतलब किसी चीज़ की चिंता नहीं है लोगों को, सीआरपीएफ अपनी ड्यूटी बहुत ही निष्ठा और पराक्रम से करती है। जो आज नौजवान सीआरपीएफ में या दूसरी फोर्स में भर्ती हैं, उनको आपको संदेश देना चाहेंगे? उनको सर संदेश यही है, जहाँ पर भी ड्यूटी है अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छी तरह से करें और उसको अपनी ड्यूटी को सही अंजाम दें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। जय हिंद।